यदि आप बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के कस्टमर हैं और आप अपना आधार बैंक में लिंक कराने जा रहे हैं तो बैंक के सॉफ्टवेयर में आधार लिंक गलत दिखा रहा है और आपके साथ स्कैम भी होने लग रहा है। स्कैम कैसा बताएंगे और अपने आप को धोखा खाने से कैसे बचाएं वो बताएंगे, क्योंकि जब आपका आधार लिंक नहीं दिखा रहा है तो बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक वाले भेज दे रहे हैं CSP सेंटर। CSP वाले क्या कर रहे हैं, जम करके इसी में आपको लूट ले रहे हैं। अब सभी CSP की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ CSP सेंटर की जो शिकायतें हैं हमें काफ़ी सारे लोगों से सुनने को मिली हैं कि उन्होंने 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये के बीच जो है कस्टमर से ले लिया है किस चीज़ का, आधार लिंक कराने का। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर उनका कोई कंप्लेन करता है तो बिल्कुल उनकी ID तो जाएगी ही, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है कानूनी। तो अगर आप लेना ही चाहते हैं तो 20 रुपये से लेकर के मैक्सिमम, यदि आप बेईमानी करना ही चाहते हैं तो ईमानदारी से बेईमानी करें और 20 से 50 के बीच में लेते हैं तो कस्टमर को भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है ना हो। फिलहाल ये फ्री ऑफ कास्ट प्रक्रिया होती है, यदि आप फिर भी नहीं मान रहे हैं CSP सेंटर हैं संचालक तो 20 से 50 के बीच में ले लीजिए, कस्टमर कहीं कंप्लेन भी शायद ना करें। लेकिन 100 से 500 के बीच में लेंगे तो कस्टमर ज़रूर जाके 4 जगह कहेंगे, ठीक है, और आपका जो है शिकायत हो सकता है और आपकी ID जो है जा सकती है और हो सकता है आपने जितना आज तक कमाया ना हो उससे ज़्यादा भर दें, ठीक। तो स्कैम क्या हो रहा है, स्कैम जब आप जा रहे हैं CSP सेंटर तो कुछ CSP संचालक क्या कर रहे हैं, आपकी जानकारी यदि नहीं है, DBT ऑन है कि नहीं, आपका अंगूठा से पैसा निकल रहा है कि नहीं, ये सारे डिटेल्स आपको नहीं पता है, बस आपको यही पता है कि हमारा सरकारी पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है, तो इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं और आपसे बढ़ा चढ़ा करके पैसे ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक लगाएंगे तो अंगूठा लगाएंगे तो अब पैसा निकलेगा, एक और वाला ऑन कर देंगे तो सारा सरकारी पैसा आने लगेगा अपने आप बिना फार्म भरे, ठीक है। तो इस तरह से 100 रुपये से 500 रुपये लिए जा रहे हैं। तो यदि आप भी अगर CSP संचालक हैं, इस तरह की काम कर रहे हैं तो कृपया इसे ना करें, क्योंकि हर जगह ये मैसेज पहुंच रहा है, बैड न्यूज़, ठीक है। तो स्कैम इस तरह हो रहा है और अपने आप को कैसे बचाएं वो बताएंगे। साथ ही आपको हम सबसे पहले बता देते हैं कि बैंक के सॉफ्टवेयर में गलत क्यों दिखा रहा है। तो देखिए, बैंकर ये बात समझेंगे, CSP संचालक और कस्टमर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड बैंक के सॉफ्टवेयर का है कि जब आप लेजर इंक्वायरी करते हैं, अकाउंट लेजर इंक्वायरी, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं मैसेज में, अलर्ट मैसेज में, कि यहाँ पे जैसे कस्टमर का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनकी मेल ID क्या है, उनका पैन कार्ड क्या है, ठीक है, नंबर, और उनकी मेल ID उसमें लगी है कि नहीं, यस नो सब लिखा रहेगा, और साथ ही वहाँ पे डेबिट कार्ड उनका है कि नहीं, उन्होंने लिया है कि नहीं, यस नो लिखा रहेगा। एक लास्ट में ऑप्शन दिखता है डेमोग्राफिक का, अगर डेमोग्राफिक में नॉट सेंट लिखा है इसका मतलब है कि आपका आधार लिंक नहीं है, ठीक है। तो बैंकर बस यही देख रहे हैं कि नॉट सेंट लिखा हुआ है, बैंकर को भी हम बता रहे हैं अगर नॉट सेंट वहाँ लिखा है तो कृपया उनके अगर खाते में चेक कर रहे हैं तो एक बार चेक कर लें रिसेंटली कोई DBT के माध्यम से पैसा आया है कि नहीं है। अगर पैसा कोई आया है DBT के माध्यम से रिसेंटली, अगर यहाँ नॉट सेंट लिखा है तो ये बस ऐसे ही मैसेज लिख रहा है, ये अभी अपडेट नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है जब पूर्वांचल बैंक पहले था फिर बड़ौदा UP हुआ, उसका नया नया सॉफ्टवेयर आया, आधार के उन सभी NPCI के डेटा को फेच कराया गया, लिंक कराया गया, तो कुछ का लिंक हो गया, कुछ का नहीं हो पाया। तो बाद में आपने देखा होगा पूर्वांचल बैंक से आप जब बड़ौदा UP में कन्वर्ट हुआ है तो काफ़ी सारे लोगों का फिर से जाकर के आधार लिंक कराना पड़ा था, ठीक है, यही वही कारण था, उनको फेच नहीं करा पाए उस सर्वर से, गलती किसकी थी अब पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ है अभी नॉट सेंट काफ़ी लोगों का दिखा रहा है लिंक करने के बाद भी, ठीक है। तो अगर उनका DBT से अगर आपका सरकारी पैसा कोई खाते में आ रहा है तो भले ही आपका बैंकर बोल रहे हैं कि लिंक नहीं है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, बैंकर को भी बता रहे हैं अगर उनका कोई DBT के माध्यम से रिसेंटली पैसा है, नॉट सेंट लिखा है, फिर भी उनको आप लिंक कराने के लिए मत भेजें, उनका ऑलरेडी लिंक है, और जब NPCI सर्वर से, आधार के सर्वर से जब आपके सारे डेटा को वह मैनेज कर लेगा, सारा फेच कर लेगा, तो यहाँ पे सक्सेस दिखाने लगेगा, जिनका सक्सेस दिखा रहा है उनको लिंक करने तो नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने इसकी संचालक कैसे पनवेल मिलों के माध्यम से या बैंकर कैसे आप लिंक कर पाएंगे उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, चैनल पे वीडियो आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कस्टमर कैसे जाने उनका आधार लिंक है कि नहीं NPCI से, अगर आपको कोई सरकारी पैसा आ रहा है, कोई भी सरकारी पैसा हो, ठीक है, पेंशन हो या किसान सम्मान निधि हो, इसका मतलब आपका DBT उसी खाते मान है। अगर आप चाहते हैं दूसरे बैंक में DBT ऑन कराना तो दूसरे बैंक में जाकर के आधार लेकर के बोल देंगे DBT ऑन कर दीजिए, ठीक है, तो पहले वाले बैंक से हट जाएगा, DBT केवल एक जगह ऑन हो सकता है, DBT, AEPS, ठीक है, और NPCI, ये क्या है सबका, NPCI अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म का मैंने एक डिटेल वीडियो ही बना दिया है, काफ़ी सारे बनाया है, आप कोई सा भी वीडियो देख लेंगे कुछ नहीं थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएंगे NPCI में जाकर के बैंक में आपको क्या बोलना है, किस बैंक में क्या कहना है, पूरा हमने उसमें डिटेल बता दिया है, और आप घर बैठे ही कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार किस बैंक में लिंक है, किस बैंक में नहीं लिंक है, वो भी बताता है, ठीक है। तो फिलहाल कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।